चलिए हम शुरू करते हैं दुआएं देना और दुआएं लेना और इससे हमारे स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, आज उस पर हम डिस्कस करेंगे। आप सभी का मैं मधुबन माउंट आबू ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सभी चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, हमारी और दादियां, हमारे वरिष्ठ भ्राताएं, उन सभी की तरफ से आप सबको आज की बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। चलिए हम शुरू करते हैं एक मिनट साइलेंस से। आप सभी इस देह और देह की दुनिया से अपनी मन बुद्धि को समेट लें और अपने आप को रियलाइज करें, महसूस करें कि आई एम अ बीइंग विद दिस ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बीइंग कहते हैं ना, तो आई एम अ बीइंग, आई एम अ सोल, अ पॉइंट ऑफ एनर्जी, पॉइंट ऑफ लिविंग एनर्जी एंड मेक दिस बॉडी, आई मेक दिस बॉडी लिविंग with these seven energies and I'm nourishing this body with these seven energies for a minute. ओम शांति, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। दुआएं शब्द आप सभी जानते हैं, इंग्लिश में आप इसको ब्लेसिंग्स भी कह सकते हैं, हिंदी में हम दुआएं आशीर्वाद भी कहते हैं, कृपा भी कह देते हैं, कई बार थैंक्स भी कह देते हैं। और दुआएं हमारा एक बहुत ही वंडरफुल खजाना है, एक बहुत बड़ा ट्रेजर है। सुनते हैं हम कि कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, हम बच जाते हैं, तो आम भाषा में कहते हैं बहुत किसी की दुआ ने हमें बचा लिया। कई बार बहुत सीरियस बीमारी होती है और उससे हम निकल आते हैं, हालांकि होप नहीं होती है, तो भी हम कहते हैं कि शायद बहुत लोगों की दुआएं हमें, हमारे साथ थी, आपके साथ बहुत लोगों की दुआएं थी, उन्होंने आपको बचा लिया, ऐसा हम यूजली सुनने में आता है। तो क्या है दुआएं और कैसे हम दुआएं ले सकते हैं, दे सकते हैं? नॉर्मली हम दुआएं मांगने के लिए कहाँ जाते हैं? दुआएं लेने के लिए हम जाते हैं मंदिरों में, एज पर जैसे जैसे हमारा धर्म होता है, मंदिर में जाते हैं या गुरुद्वारे में जाते हैं या मस्जिद में जाते हैं या चर्च में जाते हैं, जैसा हमारा धर्म है, जैसे हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, जैसे हमारे घर में हमारे संस्कार होते हैं, उसके अनुसार हम अपने डिफरेंट स्वभाव संस्कार के अनुसार भी, हमारे परिवार में जो भी परिपाटी होती है उसके अनुसार हम उसको फॉलो करते हैं। तो दुआएं क्या है उसको हम आज समझते हैं और कैसे हम दुआएं ले सकते हैं और कैसे दे सकते हैं। कहा जाता है कि दुआएं मांगी नहीं जाती हैं, कृपा या आशीर्वाद मांगा नहीं जाता है। जब हम किसी की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं और दुआएं दिल से निकलती हैं, ब्लेसिंग्स दिल से निकलती हैं, पर वो कैसे निकलती हैं, क्या प्रोसेस है उसका, उसको आज हम समझते हैं। देखिए, हमें दुआएं जब हम देते हैं, पहली तो बात हमें है दुआएं हम किस किस को दुआ दे सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले दुआ जो लेते हैं हमें परमात्मा से दुआ लेनी होती है, गॉड से। हमें समझता हूँ यूएस में भी हम सभी जो आज जुड़े हुए हैं सभी भगवान में विश्वास करते हैं, गॉड में विश्वास करते हैं। डॉलर पे भी लिखा होता है आई ट्रस्ट इन गॉड, तो हम सभी भगवान में विश्वास करते हैं। तो सबसे पहले दुआएं हमें लेनी होती परमात्मा से, और कैसे दुआ लेनी होती परमात्मा से उसके बारे डिस्कस करेंगे। और फिर हमें स्वयं को दुआएं देनी होती हैं और दुआएं स्वयं से लेनी भी होती है। स्वयं की जब हम बात करते हैं तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा
स्वयं अर्थात स्वयं में दो चीजें आती हैं, ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन है, ह्यूमन बॉडी है, और एक बीइंग, एक तो मैं आत्मा हूं जो चैतन्य है, मुझे उससे भी दुआएं लेनी है, पहले दुआएं लेनी है और देनी भी है, और फिर शरीर जिसके द्वारा मैं आत्मा जो बीइंग है वो काम करती है, सारा शरीर देखना, सुनना, बोलना, इंटरेक्ट करना, व्यवहार में आना, संबंध संपर्क में आना, जो भी हम कार्य दिन में सारा दिन करते हैं, सुबह से लेकर रात तक करते हैं, उसका भी हमें थैंक्स देना चाहिए, उसको भी हमें दुआएं देनी है शरीर को, क्योंकि शरीर ही हमें कार्य करने के निमित्त बनाता है, शक्तिशाली बनाता है, उसकी भी हमें दुआएं लेनी होती है और देनी होती है। तीसरा है हमारा परिवार, जहां भी हम रहते हैं, माता पिता हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे पति पत्नी हैं या बच्चे हैं या हमारे और भी रिलेटिव्स होते हैं घर में या बाहर, उनको भी हमें दुआएं देनी होती है। चौथी चीज जिसे हमें दुआएं देनी होती है वो प्रकृति है, जो प्रकृति के पांचों तत्व हैं, भूमि है, जल है, वायु है, अग्नि, आकाश है, जो प्रकृति इस पांचों तत्वों से हमारा शरीर तो बना ही हुआ है, कि तो ये चार पांचों तत्व ही हमारे जीने का साधन बनते हैं, लोगों संबंध संपर्क में आने का साधन बनते हैं, हमारे बिजनेस का साधन बनते हैं, हमारे कार्यक्रम का, हमारे जो भी कार्यकलाप करते हैं उसका साधन बनते हैं। और पांचवा है, इस विश्व की जितनी भी आत्माएं हैं उन सभी को हमें दुआएं देनी होती है, स्पेशली जो दुखी है, परेशान है, बीमार हैं, रोगी हैं, आईसीयू में दाखिल हैं, और आजकल तो स्पेशली कोविड का खैर, इस बार तो ओमिक्रॉन का जो थर्ड वेव आई है उसमें लोग इतने बीमार नहीं हो रहे हैं, फिर भी ओवरऑल अगर हम देखें तो हमें जो भी दुखी, किसी भी रोग से दुखी है, परेशान है, किसी भी कारण से दुखी है, परेशान, उनको भी हमें दुआएं देनी होती है। और नेचुरली जब हम देते हैं तो वापस मिलती है, रिटर्न में मिलती है। तो आज हम इसको देखते हैं, इस प्रोसेस को समझते हैं, कैसे दुआएं दे सकते हैं, कैसे दुआएं ले सकते हैं। हमें तीन बातें समझनी होंगी, तो हम एक तो जो इसका साधन है, इसका साधन जो है दुआएं लेने या देने का, वो हम कहते हैं, एक सिंपल सी भाषा में हम यूज करते हैं, मन मना भाव। हमारे मन से ही हम दुआएं देते हैं, तो मन को कैसे हम परिवर्तन करें, कि मन में हमारे एक मैकेनिज्म जो है, कैसे उसका मैकेनिज्म मन का समझेंगे और कैसे उसको शरीर पर भी हम यूज कर सकें, अपनी बीमारियों में भी उसको हम यूज कर सकें, मन की या तन की जो बीमारियां हैं, आज आप जानते हैं लगभग 90% बीमारियां साइकोसोमेटिक डिजीज हैं, अर्थात साइकी मीन्स माइंड एंड सोमा मीन्स बॉडी, पहले मन में आती हैं फिर तन में आती हैं, या ये भी कह सकते हैं स्ट्रेस रिलेटेड बीमारियां हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हार्ट की बीमारी है, हमारे हार्ट अटैक, एंजाइना या हार्ट अटैक होता है, ओबेसिटी या ओवरवेट हो जाते हैं हम, जीआरडी होता है, एसिडिटी बनती है, आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, या एस्थमा हो जाता है, या इवन ऑस्टियोपोरोसिस बोन की प्रॉब्लम्स होती हैं, माइग्रेन होता है, कमर का दर्द होता है, डिस्क प्रोलैप्स होता है, घुटने खराब हो जाते हैं, या डिप्रेशन हो जाता है, या एंजाइटी न्यूरोसिस होता है, ऑब्सेशन हो जाता है, साइकोसिस हो जाता है, ऐसे बहुत सारी बीमारी हैं, आई वोंट नेम ऑल द डिजीज़, जो भी मन और तन की बीमारी है उस पर भी हम दुआओं का असर देख सकते हैं, तो उस पर दुआओं से अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं, इट कैन जो हमारी हीलिंग प्रोसेस को हमें फास्ट कर सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना सकते हैं, टोटल इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना सकते हैं, तो उसका हम कैसे प्रयोग करें वो भी थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं मन की बात करता हूँ। दुआएं देने के लिए और दुआएं लेने के लिए, रिसीव करना या देना, इनको हमें पहले तो हमारा मन क्लीन और क्लियर होना चाहिए, हमारा माइंड क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए, दूसरा फिर हमारी इंटेलेक्ट भी क्लीन एंड क्लियर होनी चाहिए। आत्मा की आप सभी जानते हो कि आत्मा एक पॉइंट ऑफ एनर्जी है, इसके बाद तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन जो है सोचने की शक्ति है, पर मन के चार एस्पेक्ट हैं। मन कोई फिजिकल चीज तो नहीं है, मन एक सटल एनर्जी है जिसके द्वारा आत्मा सोचती है, सोचने की शक्ति है, पावर टू थिंक। और ये जो आत्मा के, इसके खाली सोचना नहीं, इसमें चार एस्पेक्ट है माइंड के। पहला जो एस्पेक्ट है वो है थॉट्स, दूसरा एस्पेक्ट है इमोशंस, थॉट्स मीन्स संकल्प या विचार,
इमोशंस मीन भावनाएं, और तीसरा है एटीट्यूड्स, जिसे हिंदी में हम वृत्ति कह देते हैं, और चौथा है मेमोरीज, जिसे हम स्मृति कहते हैं। तो इनका आपस में क्या कनेक्शन है, संकल्प, भावना, वृत्ति और स्मृति का? ये चार चीज से मिलके बनता है हमारा मन। इसे इंग्लिश में हम टीम भी कह सकते हैं, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। इसका पहला अगर आप अक्षर ले लें तो क्या बन जाता है, टीम। तो आपकी टीम पॉजिटिव है या नेगेटिव है? क्योंकि अगर आपको दुआएं लेनी है तो आपकी टीम पॉजिटिव होनी चाहिए, और देनी है तो भी टीम पॉजिटिव होनी चाहिए। पर टीम पॉजिटिव किस आधार पे बनेगी, पहले तो हम टीम को समझते हैं फिर उसके आधार की बात करते हैं। टी जो विचार है और भावनाओं में क्या फर्क है? जब कोई भी हम विचार, इंटेंस थॉट्स, जब कोई भी विचार हम गहराई से करते हैं और बार बार करते हैं, और विचार हम गहराई से और बार बार कब करते हैं, विचार बार बार और गहराई में कब होते हैं, जहां हमारा संबंध होता है, रिलेशनशिप होती है। जैसे मान लीजिए डलास में एक एक, एक लड़का है या एक सन है जो डलास में पढ़ रहा है, या वो बिजनेस कर रहा है, उसकी मदर दिल्ली में बैठी है, तो क्या होगा दोनों के बीच में? मान लीजिए जो बेटा है वो दलाश में है और वो बीमार हो जाता है किसी कारण से, और मदर उसकी दिल्ली में है या आबू में है, माउंट आबू में है, और उसको न्यूज मिलती है, तो क्या होता है दोनों के बीच में? जो न्यूज मिलती है उसके बाद बार मदर को विचार चलता है, बच्चे को बार बार माँ की याद आती है। जब जहां संबंध होता है वो विचार बार बार और रेपिटेटिव होते हैं, और संबंध के साथ उस रिलेशनशिप के साथ होते हैं, रिलेशनशिप के कारण ही विचार बार बार और इंटेंस होते हैं, गहराई से होते हैं, और वो वाइब्रेशन का रूप ले लेते हैं, भावना बन जाती है। सो इंटेंस थॉट्स बिकम इमोशंस। जहां रिलेशनशिप नहीं होती है वहां पे यूजली थॉट्स इंटेंस और रेपिटेटिव नहीं होते। तो जहां दो व्यक्ति एक दलास में और एक व्यक्ति जो है, एक पर्सन जो है वो माउंट आबू में है, और दोनों का आपस में रिलेशनशिप है, तो जब दोनों एक दूसरे को याद करते हैं, बार बार याद करते हैं, गहराई से याद करते हैं, दोनों के बीच में वाइब्रेशन फ्लो करते हैं, तो भावना से वाइब्रेशन बनते हैं, और वाइब्रेशंस गो अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, गो अक्रॉस सैटेलाइट्स, गो अक्रॉस प्लैनेट्स, एंड गो इवन बियॉन्ड प्लैनेट, बियॉन्ड यूनिवर्स, राइट? आप समझ रहे हैं बात? जैसे हम कहते हैं ना, हम आत्माएं, हम ह्यूमन बींग्स परमात्मा को याद करते हैं, कहते हैं ना हमारे हमारे आवाज परमात्मा तक पहुंचती है। वो क्या पहुंचते हैं? हमारी आवाज नहीं पहुंचती है, हमारे वाइब्रेशंस उस तक पहुंचते हैं, हमारी भावनाएं वहां तक पहुंचती हैं। जैसे माँ और बच्चे के बीच में भावना वाइब्रेशंस फ्लो करते हैं, और जो माँ सोचती है वो बच्चे को फील होता है, और जो बच्चा सोचता है वो माँ को फील होता है। इसी को हम टेलीपैथी भी कहते हैं, और दूसरी भाषा में इसी को हम दुआएं भी कह सकते हैं, और बद दुआएं भी कह सकते हैं। किसी ने हमको दुख दिया हो तो भी उसकी याद आती है बार बार, और जो स्पेशली संबंध में किसी ने दुख दिया हो तो बार बार याद आती है, वो वाइब्रेशंस उसको वहां तंग करते हैं, भले वो यूएस में हो, भले वो किसी भी देश के किसी विश्व के किसी भी कोने में हो, और जब उसने किसी सुख दिया हो और उसकी याद आती है तो वाइब्रेशंस फ्लो करते हैं, और वो वाइब्रेशंस उसको वहां पर सुख देते हैं, सुख की फीलिंग कराते हैं, और उसको दुआ का काम करते हैं। तो ये जो है टेलीपैथी या वाइब्रेशंस, पावर ऑफ वाइब्रेशंस बहुत ही वंडरफुल कार्य करती है, और सचमुच में फील कराती है, महसूस कराती है। ऐसा फील होता है कि सचमुच में वो मुझे बात कर रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कुछ, ऐसा महसूस होता है। और जैसे मैंने कहा 10 बार मैंने विचार किया, इसने 10 बार किया तो वाइब्रेशन बन गए। तो जब हम इसी भावनाओं में रहने लगते हैं, इन्हीं भावनाओं में रहने लगते हैं बार बार, जैसे माँ और बच्चे के बीच में, जहां भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, पति और पत्नी के बीच में, या भाई और भाई के बीच में, भाई और बहन के बीच में, किसी भी संबंध में, इवन फ्रेंड्स के बीच में, उन्हीं भावनाओं में जाने लगता है, तो एक सर्कल पूरा हो जाता है, बिंदु 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 पूरा करके पूरा सर्कल बन जाता है। उसी सर्कल में हम हमारे थॉट्स घूमते रहते हैं,
तो एक वृत्त बन जाता है, सर्कल बन जाता है, और उस वृत्त को उसे हम वृत्ति कहते हैं, एटीट्यूड, हमारा एटीट्यूड बन जाता है, और उस एटीट्यूड्स को ही हम उसी से हमारे अंदर उस वृत्ति से उस दृष्टिकोण से उस नजरिए से जब देखते हैं उसको तो हमारी दृष्टि बनती है, हमारी विजन बनती है। और जब इसी इसी भावनाओं इसी इसी विचारों में हम घूमते रहते हैं तो हमारे आसपास एक एनर्जी का, एक स्पिरिचुअल एनर्जी का एक एरिया बन जाता है, एक एटमॉस्फेयर बन जाता है जिसको हम वायुमंडल कहते हैं, जिसको आभा मंडल भी कहते हैं, प्रभा मंडल भी कहते हैं, ऑरा भी कहते हैं। और ये जो आभा मंडल, जो भी हम सोच रहे हैं नेगेटिव या पॉजिटिव, उस वायुमंडल में वो फील होता है। जैसी वृत्ति होती है वैसी दृष्टि होती है, और वैसी दृष्टि से वैसा वायुमंडल बनता है, और जो ड्राइंग रूम में बैठा हूं, इसमें अगर अब बाहर ठंड है, बाहर टेम्परेचर 8 डिग्री है और मेरे कमरे में टेम्परेचर 25 डिग्री है, 25 डिग्री है, तो कमरे के अंदर गर्मी है, बाहर ठंड है, तो जैसे ही कोई अंदर आएगा उसमें उसको फील होगा। जैसे आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं या दुखी हैं और आपके आसपास दुख का वायुमंडल बन जाता है, नेगेटिव वाइब्रेशंस, दुख के वाइब्रेशंस, पेनफुल वाइब्रेशंस, तो अंदर आने वाले को आपके वो वाइब्रेशंस फील होते हैं, एटमॉस्फेयर फील होता है, वायुमंडल फील होता है। और ऐसे ही अगर आप बहुत खुश हैं और आपके अंदर बहुत खुशी है और आसपास आपके कमरे में वो वायुमंडल फैला होता है, या आप शांति, आप मेडिटेशन कर रहे हैं और शांति का, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम का, अतीन्द्रिय सुख का, आनंद का वायुमंडल आपके कमरे में है, आप मेडिटेशन रूम में जाते हैं, आप मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, चाहे मेडिटेशन करते हैं, वहां जाके आपका मन एकदम शांत हो जाता है, हालांकि आपने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं की है, तो बाहर वाला व्यक्ति आता उसको फील करता है, और उससे जो परसेप्शन होता है, इंप्रेशन होता है, उससे जो है हमारे अंदर हमारे बिलीफ सिस्टम्स परिवर्तन हो जाते हैं, हमारे जो आस्थाएं होती है, मान्यताएं होती है, परिवर्तन होती है। और जब हम उसको महसूस करते हैं और उसके अनुसार हमारी स्मृतियां रिकॉर्ड होती है, हमारी मेमोरीज रिकॉर्ड होती है, हमारी रिकॉर्ड जो हमारी 100 बिलियन न्यूरॉन्स है हमारे ब्रेन में, उनमें रिकॉर्ड हो जाता है वो एटमॉस्फेयर, वो जो भी हम फील करें, शांति महसूस कर रहे हैं, प्रेम महसूस कर रहे हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं, आनंद महसूस कर रहे हैं, या दुख महसूस कर रहे हैं, निराशा महसूस कर रहे हैं, रिकॉर्ड हो जाता है। तो इस तरह से हमारी टीम काम करती है, और जब हम इस टीम के असर में हम कार्य करते हैं, हमारी स्मृति बन जाती है, तो उस स्मृति से ही हम देखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, खाते हैं या सुनते हैं, या हाथ पैर से कर्म करते हैं, तो हमारे कर्म उसी आधार पर होते हैं। और जब हम उस आधार पर कर्म करते हैं तो हमारी हैबिट्स, संस्कार बन जाते हैं। हैबिट्स को ही संस्कार कहते हैं, रिजॉल्व्स कहते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स कहते हैं। तो ये जो है हमारा, इस तरह से हमारे अंदर ये असर होता है। पर संकल्प किस आधार पर चलते हैं, हमारे विचार किस आधार पर चलते हैं, जैसे हमने बात की ना, संकल्प किस आधार पर चलेंगे, ऐसे तो कह सकते हैं कि हमारी जो स्मृति रिकॉर्ड हो गई है उसी आधार पर हमारे विचार चलते हैं। स्मृति से उल्टा भी कर सकते हैं, स्मृति के आधार पर हमारी वृत्ति बनती है। जैसे मुझे याद आया कि मैं डॉक्टर हूँ, तो इसके आधार पर मेरी वृत्ति बन जाएगी, मेरे एटीट्यूड बन जाएगा, उसी के अनुसार मेरी दृष्टि बन जाएगी। मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे सब सामने वाला पेशेंट के रूप में उसको मैं देखूंगा, मेरा वायुमंडल, मुझे एटमोसफियर मेरे आसपास बन जाएगा, उसी अनुसार मेरी भावना बन जाएगी, उसी अनुसार मेरे संकल्प भी चलेंगे। फिर स्मृति का आधार या संकल्प का आधार क्या है, उसका आधार हमारी इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, और बुद्धि के भी चार एस्पेक्ट है। बुद्धि का जो पहला एस्पेक्ट है वो है, हिंदी में कहें तो चेतना है, इंग्लिश में कहें और या दिल भी कहते हैं, हार्ट ऑफ द सोल कहते हैं, या इंग्लिश में कहें तो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियंस है। तो कॉन्शियंस या कॉन्शियसनेस, ये जो है हमारा दिल है, चेतना, दिल, हार्ट ऑफ द सोल। इसमें मेरे अंदर क्या है कि मैं कौन हूं, हु एम आई, सामने वाला कौन है, और मेरा उस परमात्मा से क्या संबंध है,
या हमारा आपस में क्या संबंध है, जो संबंध रहते हैं ना, घर में रहते हैं या बाहर रहते हैं, तो दिल में जो बेसिक चेतना में मेरे क्या है, मैं कौन हूं, मेरे संबंध किसके साथ हैं, और मेरा अपना क्या है, या मेरे 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 गुण क्या है, या मेरी प्रॉपर्टी क्या है, और जो भी कर्म कर्म का सिद्धांत मेरे अंदर समाया होता है वो मेरे दिल में रहता है। और अगर मैं ज्ञान के आधार पर कहूं, जो परमात्मा से हमें ज्ञान मिला है, जो ब्रह्मा कुमारी में ज्ञान के आधार पर हम कहें, तो मेरे चेतना में क्या रहता है, और दुनिया की दुनिया जिसको ज्ञान सत्य की समझ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ नहीं है, ज्ञान अर्थात अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ, तो ज्ञान का आधार क्या है, ज्ञान दुनिया नॉर्मली हमारी चेतना दिल में क्या रहता है, नॉर्मली दिल में रहता है, मैं अपने को समझता हूँ, माय नेम इज सतीश गुप्ता, मैं प्रोफेशन मेरा डॉक्टर है, मैं डॉक्टर हूं, तो मेरी बुद्धि में रहता है कि मैं डॉक्टर हूं, पर साथ में डॉक्टर नहीं हूं, साथ में पिता भी हूं, किसी का पति भी हूं, किसी का बेटा भी हूं, किसी का भाई भी हूं, किसी का दोस्त भी हूं, तो सोल मतलब साथ में नाम तो बॉडी कॉन्शियसनेस तो रहती है, क्योंकि साथ साथ रोल कॉन्शियसनेस भी रहती है, और जो मेरे संबंध संपर्क है वो भी मेरे चेतना में रहते हैं, संबंध संपर्क, और जो मेरी प्रॉपर्टी है मेरे पास, मकान है, कार है, इतना बैंक बैलेंस है, वो भी मेरे दिल में ही रहता है, चेतना में रहता है। और जो मेरी मेरी हैबिट्स है ना, जो मेरे मेरे स्वभाव है, मेरी नेचर है, मेरी नेचर है, जैसे जैसे आजकल दुनिया में नेचर क्या है, हम लोग देहभान की नेचर क्या है, देहभान की नेचर होती है काम, लस्ट, एंगर, ग्रीड, जैसे हम हिंदी में कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, का, ये देहभान की नेचर है। जैसे हम आग के पास जाए तो गर्मी लगती है, और पानी की झील के पास जाए तो ठंडी ठंडक लगती है, ऐसे ही जब अपने को देह समझ करके रहते हैं, देह अभिमान में रहते हैं, देह के संबंध संपर्क के भान में रहते हैं, देहभान के पदार्थ देह के पदार्थों के भान में रहते हैं, और देहभान के स्वभाव पांच विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के भान में रहते हैं, और देह भान के संस्कार, उनसे जो हमारी नेगेटिव मेंटल टेंडेंसीज पैदा होती हैं, जब हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे अंदर आलस्य पैदा होता है, अलबेलापन पैदा होता है, सिनिसिज्म पैदा होता है, अर्थात दूसरों के अवगुण दोष दर्शन शुरू हो जाता है, अर्थात हम दूसरों के अवगुण दिखाई, भले उसमें 95 गुण है, कि तुम्हें जो पांच अवगुण है वो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, स्टॉर्क जैसी दृष्टि बन जाती है, हंस की बजाय हंस को जैसे मोती दिखाई देते हैं, हालांकि उसके सामने 95 कीड़े पड़े हुए हैं, कि उसको जो पांच जो मोती पड़े हुए दिखाई देते हैं, और स्टॉर्क को अगर सामने मोती पड़े हो 95 और बीच में पांच कीड़े पड़े हों तो उसको सिर्फ पांच कीड़े ही दिखाई देते हैं। तो देवभान आने के कारण हमारे हमें क्या होता है, हमारी हमारी दृष्टि बदल जाती है, और हमें दूसरों के अवगुण दिखाई देने लग जाते हैं, और बदलने की भावना हॉस्टाइल बिहेवियर हो जाता है, शक और अनुमान सस्पिशियस और अज्यूमिंग नेचर बन जाती है, आदत पड़ जाती है उसकी, और चिंता और भय एंजाइटी और फियर पैदा हो जाता है, और टाइप ए बिहेवियर अर्थात हम टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर, परफेक्शन का प्रेशर, मेरे हिसाब से ही काम होना चाहिए, कंपटीशन, कंपैरिजन और ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी एंड हेट्रेड पैदा हो जाती है। ये नॉर्मली हमारी चेतना में रहता है, कॉन्शियसनेस में आज के इंसान के अंदर रहता है, जिसके कारण आज का इंसान दुआएं ना ले पाता है ना दे पाता है, क्योंकि हम एक दूसरे के नेगेटिविज्म को ही देखते हैं। तो ये हमारी चेतना, चेतना जो है हमारी कॉन्शियस हार्ट ऑफ द सोल जिसे कहते हैं, आज अगर मेरी चेतना में ये है, इसके आधार पे हमारी विजडम बनती है, मेरे दिल में क्या है इसके आधार पे हमारी विजडम बनती है, जिसको हम थर्ड आई ऑफ विजडम भी कह देते हैं, सत्य को परखने की शक्ति भी कह देते हैं, और उसके आधार पे हमारे हम निर्णय करते हैं, निर्णय करने की शक्ति बनती है। ये मैं बुद्धि के एस्पेक्ट बता रहा हूं। तो बुद्धि के चार एस्पेक्ट हैं, पहला है कॉन्शियसनेस या हार्ट या चेतना या दिल कहते हैं, दूसरा एस्पेक्ट है विजडम, विवेक जिसे हिंदी में कहते हैं, तीसरा जो एस्पेक्ट है वो निर्णय शक्ति है, और चौथा जो एस्पेक्ट है, यहां से हम इंटेलेक्ट प्रॉपर भी कह सकते हैं, और चौथा जो एस्पेक्ट है वो है सबकॉन्शियस माइंड, जिसे हम चित्त भी कह देते हैं।
तो मेरी दिल में क्या है उसके आधार पर मेरी सत्य को परखने की शक्ति, जिसे विवेक कहा, उसके आधार पर निर्णय शक्ति, और निर्णय शक्ति के आधार पर मेरी सबकॉन्शियस माइंड है चित्त, और चित्त के आधार पर फिर मेरा चेतन मन कॉन्शियस माइंड काम करता है। कॉन्शियस माइंड मेरा कैसा चिंतन, कैसे विचार चलेंगे, कैसी भावना बनेगी, कैसी वृत्ति होगी, और कैसे फिर मेरी स्मृति की फाइलें खुलेंगी, मेमोरी की फाइलें खुलेंगी, मेरे बिलीफ सिस्टम्स की फाइलें खुलेंगी, और उसके आधार पर फिर मेरे कर्म होंगे, देखना, सुनना, बोलना, खाना पीना, पढ़ना, सब कुछ हाथ पैर से कर्म करना, वो सब होगा, और उसके आधार पर, कर्म के आधार पर मेरा जीवन चलेगा। तो मुझे अगर दुआएं देनी और इसके आधार पर मेरा शरीर भी चलता है, तो मेरी चेतना के आधार पर ही मेरा शरीर चलता है, चेतना बुद्धि और मतलब विवेक निर्णय शक्ति और चित्त, और उसके आधार पर चिंतन, और उसके आधार पर भावना वृत्ति और स्मृति, और उसके आधार पर कर्म, उसके आधार पर मेरा शरीर चलता है। मुझे मुझे मेरा शरीर हेल्दी रहेगा या बीमार होगा, मेरा मन हेल्दी रहेगा या बीमार होगा, उसी आधार पे होता है। तो मुझे अगर परमात्मा से पहले, अगर मुझे परमात्मा से दुआएं लेनी है, मुझे अगर स्व को दुआएं, स्वयं को दुआएं देनी है, अपने परिवार को दुआएं देनी है, पूरी प्रकृति की, प्रकृति अर्थात पूरी नेचर को दुआएं देनी है, जिससे हम इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और पांचवा मुझे सारे विश्व को दुआएं देनी है, सारे विश्व के हर आत्मा को, हर लिविंग बीइंग को दुआएं देनी है, तो इसका आधार मेरी ये बुद्धि और मन है और संस्कार है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो चित्त में, चित्त की जब बात कर रहा था, चित्त सबकॉन्शियस माइंड की बात भी कर लेता हूं, उसमें छह शक्तियां हैं, आत्मा के पास आठ शक्तियां होती हैं। तो पहली तो सत्य को परखने की शक्ति हो गई, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति हो गई, और तीसरी शक्ति है विस्तार को सार में लाने की शक्ति। अगर मेरे दिल में असत्य है, सत्य मीन्स बॉडी कॉन्शियसनेस है, मैंने बताया देहभान, देह अभिमान, देह के संबंध संपर्क का भान, देह के पदार्थों का भान, और देहभान के स्वभाव संस्कार का भान है, तो मेरा विवेक कंफ्यूज हो जाता है, निर्णय शक्ति भ्रष्ट हो जाती है, और तब छोटी सी बात भी, बहुत छोटी सी बात भी सार विस्तार में चला जाता है, राइट? छोटी सी बात हो गई, घर में थोड़ा सा इंटरेक्शन हो गई, आपस में कंफ्लिक्ट हो गया, पति पत्नी के बीच में, दो भाई बहन के बीच में हो गया, दो फ्रेंड्स के बीच में हो गया, थोड़ी सी बात होगी एक बड़ी बात बन जाएगी, राई का पहाड़ बन जाएगा, और समेटने की शक्ति खत्म हो जाती है, और हमारे बॉडी में ऐसे केमिकल्स निकलने शुरू हो जाते हैं, ऐसे ऐसे केमिकल प्रोस्टाग्लैंडिंस और ऐसे केमिकल्स पैदा होने लगते हैं कि हमें, हमारा जो बीमार, जो तकलीफ होती है शरीर के अंदर, चाहे वो हार्ट का पेन हो, चाहे पेट में दर्द हो, या हड्डियों में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, वो बढ़ जाता है, और हमें सहन नहीं होता है, पावर टॉयलेट खत्म हो जाती है, समाने की शक्ति खत्म हो जाती है। हम 10 लोगों को बताते हैं, वर्णन करेंगे, और हम और प्रॉब्लम्स जो आने वाली उनका सामना नहीं कर पाते और सहयोग नहीं कर पाते, किसी की मदद नहीं कर पाते, और फिर ये चित्त हमारा अशांत, चंचल और बेचैन हो जाता है। छह शक्तियों से मिलकर हमारा चित्त बनता है, सबकॉन्शियस माइंड बनता है, और उसके आधार पर फिर कॉन्शियस माइंड, जो मैंने बात की टीम, उसके आधार पर फिर मेरी मेमोरीज कैसी खुलती है, सारे जीवन की नेगेटिव बातें, जो बीमारियां मुझे और भी हैं, वो भी सब, घर की परेशानियां, बिजनेस की परेशानियां, सब सामने आ जाती हैं, और फाइलें खुलती हैं, तो मेरी लाइफ बहुत, मुझे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव भावनाएं, और फिर नेगेटिव एटीट्यूड लाइफ के प्रति, नेगेटिव दृष्टि, होपलेसनेस, और फिर नेगेटिव हवामंडल, नेगेटिव वायुमंडल आसपास, और फिर नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स, है ना, फिर आस्थाएं हमारी नेगेटिव, और फिर नेगेटिव हमारे स्मृतियां, और जब नेगेटिव स्मृतियां और नई नेगेटिव स्मृतियां रिकॉर्ड, और फिर नेगेटिव कर्म होने लगते हैं, उससे हम गलत खाना पान, जैसे कहते हैं मूड डिसाइड्स अवर फूड, फिर हम गलत खान पान, अगर हमारा मूड में बिटरनेस है, मीठा, हालांकि डायबिटीज होने के बाद मीठा खाते हैं, हम जो है गलत एक्सरसाइज करते हैं, हम जो है अगर ड्राई महसूस करें तो हम फ्राइड खाते हैं, हम अगर बोरिंग महसूस करते हैं हॉट एंड स्पाइसी खाते हैं, हालांकि भले मुझे अल्सर हो पेट में, दिल करता नहीं, मैं तो यही खाऊंगा, फास्ट एंड जंक फूड खाते हैं, नींद प्रॉपर आती नहीं है,
समय पर सोने नींद नहीं आती, देर से उठते हैं, देर से सोते हैं, और एक्सरसाइज करने का हमारे पास समय नहीं होता है, या रॉन्ग एक्सरसाइज करते हैं, इसलिए हम और ज्यादा बीमार हो जाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपने को भी दुआएं दें, दूसरों को भी दुआएं दें, क्योंकि दुआएं मांगने से नहीं, मैंने पहले कहा दुआएं मांगने से नहीं मिलती, उसके लिए कर्म करना पड़ता है, सेवा निस्वार्थ भाव से सेवा करनी पड़ती है। तो वो कैसे करें? तो हमें दिल में अगर हम सत्य को बिठा लें, व्हाट इज योगा और मेडिटेशन, योग या मेडिटेशन क्या है, राजयोग क्या है? योग मीन्स कनेक्शन, मेडिटेशन मीन्स कनेक्शन, कनेक्शन विद व्हाट, कनेक्शन विद द ट्रूथ, सत्य से जुड़ना ही मेडिटेशन है, सत्य से जुड़ना ही योग है। अब जितनी भी बीमारियां हैं वो स्ट्रेस, स्ट्रेस का जो फॉर्मूला आप सबको पता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू, एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर्स डिवाइड बाय इनर स्ट्रेंथ, योर कोपिंग एबिलिटी। व्हेन दिस कोपिंग एबिलिटी और इनर स्ट्रेंथ एक्सीड्स, सॉरी, व्हेन द प्रेशर्स एक्सीड कोपिंग एबिलिटी और इनर स्ट्रेंथ, देन वी फील स्ट्रेस, और उस स्ट्रेस से फिर हमारी बीमारियां सब पैदा होती है मन और तन की। तो प्रेशर्स इंटरनल प्रेशर्स होते हैं, जैसे मैंने बात की अभी आपसे थोड़ी देर पहले, टाइप ए बिहेवियर, एंजाइटी, फियर, सिनिसिज्म, हॉस्टिलिटी, सस्पिशियस बिहेवियर, एज्यूमिंग बिहेवियर जिसे हम स्किजोइड बिहेवियर भी कह देते हैं, आलस्य, अलबेलापन, लेजीनेस, केयरलेसनेस, या काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की मैंने बात की। ये जो हमारे अंदर जो होता है नेगेटिव जो संस्कार, स्वभाव और संस्कार है हमारे, ये अगर हमें परिवर्तन करने हैं तो क्या करना पड़ता है? तो हमें, मैंने बात की, ये जो है तो सत्य से कनेक्शन, ट्रुथ से कनेक्शन, सत्य की परिभाषा में दो बातें आती हैं, जब इंटरनल प्रेशर जो हुए, इंटरनल प्रेशर ये जो है मेरे प्रेशर हैं, मेरी आदत पड़ी है गुस्सा करने की, आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, बहुत इमोशनल हूँ, मान लीजिए ये मेरी अंदर की बात है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, इसको मैं तुरंत मॉडिफाई नहीं कर सकता हूँ। एक्सटर्नल प्रेशर भी, जैसे परिवार में मेरा कन्फ्लिक्ट है किसी के साथ, पति पत्नी के बीच में कन्फ्लिक्ट है, बच्चों से हमारा कन्फ्लिक्ट है, या प्रोफेशन में जहां हम काम करते हैं बॉस से कन्फ्लिक्ट है, या कुलीग से कन्फ्लिक्ट है हमारा, उसको हम तुरंत चेंज नहीं कर सकते हैं। आजकल जैसे कोविड है, उसको हम बदल नहीं सकते, तुरंत बदल जाएगा किंतु हमारे हाथ में नहीं, इतना फास्ट ट्रैफिक है आज, पोल्यूशन है, बहुत ठंडी है, बहुत गर्मी है, तो उसको हम तुरंत नहीं बदल सकते, किंतु हमारे हाथ में क्या है, कोपिंग एबिलिटी, इनर स्ट्रेंथ है, और इनर स्ट्रेंथ को, कोपिंग एबिलिटी बढ़ाने के लिए कोई दवाई नहीं है, कोई सर्जरी नहीं है, ओनली मेथड इज मेडिटेशन, योग और मेडिटेशन, और योग और मेडिटेशन मैंने बताया इज कनेक्शन विद द ट्रूथ। तो अब ट्रूथ क्या है, ट्रूथ के बारे में दो ही बात हम कहते हैं, ट्रूथ इज एटर्नल बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, सेकेंड इज ट्रूथ इज अनचेंजेबल। तो एक ह्यूमन बींग का ट्रूथ क्या है? अगर ह्यूमन बींग शब्द को हम देखें, इसमें दो शब्द आते हैं, ह्यूमन प्लस बींग। ह्यूमन शब्द ह्यूमस से आया है, लैटिन वर्ड है, जिसका लिटरल मीनिंग है सॉयल, SOIL, और बींग का है लाइफ फोर्स, लाइफ फोर्स का अर्थ है सोल। तो सॉयल और सोल में क्या फर्क है, स्पेलिंग देखिए, तो अगर सॉयल SOIL और उसमें SOUL, तो SOIL, जहां सॉयल कॉन्शियस होते हैं या बॉडी कॉन्शियस होते हैं, आउटर सेल्फ, ये हमारा आउटर सेल्फ है, सॉयल मिट्टी, ये हमारा आउटर सेल्फ है, तो हमारे अंदर आईनेस और माइनेस आ जाती है, अर्थात ईगो और अटैचमेंट आ जाती है, और आईनेस से इलनेस भी आती है, बीमारियां आती है, और इसकी बजाय हम अगर सोल कॉन्शियस होते हैं, यू मीन्स यूनिवर्सल, दैट मीन्स वीनेस, तो वी से वेलनेस आती है। और जब हम एक्सटर्नल बॉडी, आउटर सेल्फ कॉन्शियस बनते हैं, तो हमारे अंदर इनसिक्योरिटी पैदा होती है, अनस्टेबिलिटी पैदा होती है, उससे पांच वाइसेस पैदा होते हैं, उसकी नेचर ही है, जैसे फर्नेस की नेचर के, फर्नेस से गर्मी निकलती है ना, तो ऐसे ही हमारे अंदर से इनसिक्योरिटी की वजह से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का जन्म होता है। और उसकी, इसको प्रैक्टिस करने से हमारे 10 मैंने बातें बताई, 10 हमारे अंदर नेगेटिव मेंटल टेंडेंसीज, आदतें पैदा होती हैं, आलस्य, अलबेलापन, दूसरों में दोष देखना, बदला लेने की भावना, शक, अनुमान, चिंता, भय, जल्दीबाजी, ईर्ष्या, द्वेष, और इससे स्ट्रेस पैदा होती है, इससे हमारे अंदर
रॉन्ग मूड से रॉन्ग फूड होता है, रॉन्ग फूड से और हमारी हमारी स्लीप डिस्टर्ब होती है, लेट सोने जाते हैं, लेट उठते हैं, और उससे फिर हमारे अंदर, और हमारे अंदर क्या होता है, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं क्योंकि लेट उठते हैं, लेट सोते हैं, शाम को जिम में जाएंगे, और हम क्योंकि हम स्ट्रेस में रहते हैं इसलिए एडिक्शन हो जाते हैं हमको, बहुत टी, बहुत कॉफी, बहुत कोल्ड ड्रिंक्स, या फिर स्मोकिंग और ड्रिंक अल्कोहल या सब्सटेंस अब्यूज शुरू हो जाता है, इससे हम बीमार होते हैं। इसकी बजाय अगर आप सोल कॉन्शियस होते हैं तो आप यूज्ड, आपके अंदर फुल प्रूफ सिक्योरिटी आ जाती है और आप स्टेबल हो जाते हैं, स्टेबिलिटी आती है। उससे आपके अंदर क्या होता है, आपके अंदर आत्मा के अंदर जो सात नेचुरल क्वालिटीज हैं, इनेट क्वालिटीज हैं, वो हमारे अंदर मैनिफेस्ट करने लगते हैं। जैसे पानी की झील के पास जाते हैं तो आप ठंडक, आपको अपने आप ठंडी हवा आने लगती है, अपने को आत्मा समझते ही, क्योंकि आत्मा बीइंग जो है वो एटर्नल है, जन्म मरण से परे है, भारत में हम कहते हैं अजर अमर अविनाशी है। तो उससे आपके अंदर सात गुण जो आत्मा के, पहली बात है ज्ञान अर्थात सत्य की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ आपके अंदर आने लगता है। पवित्रता, प्योरिटी मीन्स जैसे मैं आत्मा हूं, मैं दूसरे को भी आत्मा समझने लगता हूं, यही यही प्योरिटी है। अपने को आत्मा, अपने को बीइंग समझ करके हम व्यवहार करते हैं तो दूसरा भी, दूसरे भी हम दूसरे को बीइंग के रूप में देखने लगते हैं। और शांति मीन्स बीइंग इन द प्रेजेंट, हम वर्तमान में रहने लगते हैं, पास्ट हमारा हील हो जाता है क्योंकि 90% थॉट्स हमारे पास्ट से आते हैं, पास्ट की साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट्स और फ्यूचर की इनसिक्योरिटी से आते हैं। तो जब हम इस ज्ञान अर्थात एबीसीडी, ए फॉर आत्मा या एबीसीडी कह सकते, ए फॉर आत्मा, पी फॉर परमात्मा, सी फॉर कनेक्शन, डी फॉर ड्रामा, तो जब हम इस ड्रामा के, ड्रामा साइकिल को समझ जाते हैं कि जो भी हम अभी तक हमने कर्म किया है, जो भी हमारे साथ हुआ है, वो हमारे अपने कर्मों का फल है, वो हील हो जो हील होने लगते हैं, उसे हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं, हम वर्तमान में रहने लगते हैं क्योंकि 90% थॉट्स पास्ट से आते, फ्यूचर से आते हैं, तो सिर्फ 30-30 थॉट्स पर मिनट आ रहे थे, अभी सिर्फ 3 ही थॉट्स आ रहे हैं। इसको हम शांति कहते हैं, बीइंग इन द प्रेजेंट, हम प्रेजेंट में फोकस्ड हो जाते हैं, और हम लव, उससे लव पैदा होता है। लव मीन्स एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर अनकंडीशनली, जो भी हमारे घर में है, माता पिता है, भाई बहन है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, सबके अपने अपने नेचर होते हैं, अपने अपने स्वभाव संस्कार होते हैं, उनके अपने जीन्स होते हैं, उनके अपने नर्चर, नेचर और नर्चर अलग अलग होती है, पति पत्नी की अलग होती है, पत्नी की अलग होती है, बच्चे भी आत्मा के रूप में हमारे घर में जन्म लेते हैं, उनकी भी नेचर अलग, जीन्स जेनेटिक सेटअप होता है, उनकी भी स्कूल में एक्सपोज होते हैं, समाज से एक्सपोज होते हैं, उनकी नर्चर भी अलग टाइप की हो जाती है। तो उनको एक्सेप्ट करते हैं अनकंडीशनली, इसी को हम प्यार कहते हैं, ट्रू लव कहते हैं। और हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मीन्स हैविंग कंटेंटमेंट वॉट एवर यू हैव, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इससे आपके जीवन में खुशी आती है। इच्छाएं जहां होती है, इच्छाएं हमारी खुशी गायब कर देती हैं, खुशी आती है। आनंद मीन्स गोइंग बियॉन्ड, आनंद मीन्स बंधन, अंध मीन्स मुक्त, बंधन मुक्त हम महसूस करते हैं, फ्रीडम, और उससे फिर हमारे 8 शक्तियां आती हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे शेयर की, सत्य को परखने की शक्ति, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को सार में लाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति। तो ये मैं आपसे मैंने बात की, तो अगर आप दिल में ये ले आए और इससे आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, और स्ट्रेस फ्री जब 7 एनर्जी आपके अंदर आ गई, 6 शक्ति 6 गुण और 8 शक्तियां, मतलब 7 एनर्जी आ जाती हैं, जिसमें 7 एनर्जी उसको सतो प्रधान, सतो मीन्स 7, प्रधान मीन्स भरपूर, और फिर जो है इससे आपके, जब इसको आप 7 एनर्जी के साथ बिहेव करते हैं, व्यवहार में आते हैं, तो आपके जीवन में सत्यता आती है, निर्भयता आती है, आपके जीवन में एकाग्रता आती है, डिटर्मिनेशन, दृढ़ता आती है, ट्रुथफुलनेस आती है, फियरलेस मतलब ये आती है, और आपके अंदर कंटेंटमेंट आती है, आपके अंदर हर्षित मुक्ता, चीयरफुलनेस आती है, आपके अंदर पेशेंस आ जाती है, ऐसे बहुत सारे अच्छी वैल्यूज, डिवाइन वैल्यूज जिसे कहते हैं, वो आ जाती हैं, और आप फिर स्ट्रेस फ्री रहने लगते हैं, आपका मूड सदा अच्छा रहता है। वो जो बॉडी कॉन्शियस, आउटर सेल्फ कॉन्शियस व्यक्ति था, वो खाने में खुशी ढूंढ रहा था, अभी हम खुश हैं तो हेल्दी फूड खा सकते हैं, बिकॉज मूड डिसाइड्स अवर फूड। तो मूड मेरा खुश है तो मेरे को अब मैं सेब खाऊंगा, आई विल टेक मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और फिर मैं, मेरे को प्रॉपर नींद आती है क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंसी, मेरे ब्रेन रिदम हमेशा अल्फा रिदम रहती है, थीटा रिदम रहती है, तो मेरी नींद एकदम आ जाती है।
10 बजे सोना, सुबह 4 बजे अमृत ब्रह्म मुहूर्त में हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करते हैं, हम प्रॉपर नींद हमें आती है, हम प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, जल्दी उठते हैं तो हम सुबह सुबह सनराइज के बाद एक घंटा एक्सरसाइज अपने आप को दे पाते हैं, और हम हमें चाय कॉफी की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि हमारा मूड डिस्टर्ब नहीं होता, हमें डिप्रेशन होता ही नहीं, नींद हमारी एनर्जी से भरे रहते हैं, शांति प्यार खुशी की एनर्जी भरी रहती है, अंदर आनंद रहता है, तो हमें कभी भी थकावट नहीं होती है, और हम अंदर से हमें चाय कॉफी की भी आवश्यकता नहीं, स्मोकिंग की भी आवश्यकता नहीं, शराब की भी आवश्यकता, कोई सब्सटेंस अब्यूज हमको चाहिए नहीं, नींद की दवाई भी नहीं चाहिए, तो हम हेल्दी रहते हैं, हेल्दी एंड हैप्पी रहते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा समझ लें हम कि अगर मेरे दिल में सत्य है, ABCD है, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, और उसके साथ सी मैंने कनेक्शन, मुझे सर संबंध की मैंने अनुभूति कर लेती है, मैंने महसूस करते हैं उसके साथ, आरती में तो हम गाते हैं तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें हो, तुम्हें हो साथी तुम्हें सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, और उसको हम उसके साथ उसको सचमुच में यूज करते हैं माँ की तरह से, परमात्मा को ब्रह्मा के द्वारा जो माध्यम है उसके द्वारा उसको हम महसूस कर सकते हैं कि कैसे परमात्मा मेरी माँ है, ब्रह्मा के द्वारा उसकी उसकी उसको महसूस उसको हम लाइफ में लेकर के आते हैं, क्योंकि लौकिक में दुनिया में तो हमने माँ का हमने अनुभव किया हुआ है, माँ का रोल क्या होता है उसको हम रियल में परमात्मा से महसूस कर सकते हैं, क्योंकि माँ सदा नहीं है, लौकिक माँ सदा नहीं है, कि तो वो सदा है अविनाशी एटर्नल है ना, वो पिता के रूप में उसको यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में, टीचर के रूप में उसको यूज कर सकते हैं, प्रिसेप्टर के रूप में यूज करते हैं, अपने बंधु बड़े भाई या बड़ी बहन के रूप में इसको यूज करते हैं, दोस्त के रूप में इसको यूज करते हैं, बिलेवड के रूप में इसको यूज करते हैं, और उसको हम अपने डॉक्टर या सर्जन के रूप में यूज करते हैं, और अपने बच्चे के रूप में बेटा या बेटी के रूप में यूज कर सकते हैं, ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर के रूप में यूज कर सकते हैं, और फिर ड्रामा के राज को और गहराई से समझ सकते हैं। तो जब हम इसको अपने दिल में ले आते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस चेतना में ले आते हैं ABCD को, मैं आत्मा हूं, परमात्मा के संतान हूं, मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं, और ड्रामा जो हुआ उसको फुल स्टॉप लगा सकते हैं, और जो हो रहा है बिंदी आत्मा बन के परम धाम घर में अपने अपना जो अवार्ड है परम धाम इनकॉर्पोरेट वर्ल्ड है, निराकारी दुनिया है, उसमें उससे कंबाइन हो सकते हैं और अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो अगर हम सुबह से उठ करके कार्य करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 के बीच में, उस समय जो क्या होता है हमारा जो दोनों ब्रेन का कंट्रोल हाइपोथैलेमस है उसमें और पिट्यूटरी, नीचे पिट्यूटरी है उसके पीछे पिनियल ग्लैंड है, और आत्मा के बीच में बिटवीन हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में है सीट ऑफ द सोल। तो उस समय अगर हम परमात्मा से अपनी बैटरी को चार्ज कर लेते हैं, सातों एनर्जी जो परमात्मा कौन है, सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पावर हाउस है शिव, परमपिता परमात्मा शिव सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पावर हाउस है, उस समय हम परमात्मा से सर्व संबंध ब्रह्मा के माध्यम से करते हैं, उसका जो कॉर्पोरियल मीडियम है उससे महसूस करते हैं, और जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है दिन की उससे हम बात रूह ज्ञान आत्मा के रूप में उससे बात करते हैं, सूक्ष्म शरीर के साथ मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर है उसके साथ हम उससे बातचीत कर लेते हैं, अपने बात सॉल्यूशंस ले लेते हैं। तो जब हम परमात्मा से दुआ लेते हैं, जब मैंने कहा ना पहली पहली बात परमात्मा से दुआ लेना, तो अगर हम उसके बच्चे बनकर के उससे उससे हम कनेक्शन जोड़ करके उससे शक्तिशाली दुआएं लेते हैं, आज्ञाकारी बनने की दुआ है ना, तो हम आज्ञाकारी बन के ये इसकी परमात्मा की डायरेक्शन है, सवेरे सवेरे उठ के मुझे याद करो, संबंध से याद करो, क्योंकि पावर हमेशा कंबाइन हम तभी रह सकते हैं किसी से जब उससे हमारा रिलेशनशिप होती है, और सबसे स्ट्रांग संबंध है माता का पिता का, श्री माँ का और बाप का, माता पिता का। तो जब उसको हम सारा दिन यूज कर सकते हैं उस संबंध को, माता पिता के रूप में भी, भाई बहन के रूप में भी, दोस्त के रूप में भी, मैंने बताया बिलेवर्ड के रूप में भी, जहां जैसा कार्य हो वैसा हम उसको यूज करते हैं। तो परमात्मा से जब हम दुआ लेते हैं तो हमारे अंदर जब हम अपनी जो आत्मा के साथ एनर्जी है ना, तो जब हम आत्मा को बैटरी चार्ज करते हैं तो हमारी हम आत्मा को भी नरिश कर रहे होते हैं, तो आत्मा से भी हमें दुआ मिलती है, हमारी आत्मा भी बैटरी चार्ज हो जाती है, तो हमारे अंदर जो क्रोध आता है ना तो हील हो जाता है, लोभ हील हो जाता है, मोह हील हो जाता है, चिंता हील हो जाती है, आलस्य हील हो जाता है, भय हील हो जाता है, तो हमें आत्मा को दुआ आत्मा से दुआ मिलती है, और आत्मा ही सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से शरीर को नरिश कर रही है। बॉडी के अंदर हमारे 80,000 अरब कोशिकाएं हैं, 80,000 बिलियन सेल्स है, लगभग 80 ट्रिलियन सेल्स, और हर सेल को सातों एनर्जी आवश्यक है, पर एक एनर्जी विशेष है, जैसे ब्रेन के लिए
ये ज्ञान है एपीसीडी, आत्मा परमात्मा कनेक्शन और ड्रामा। जितना अधिक ये ज्ञान की हम एक एक सेल में 100 बिलियन न्यूरॉन्स में हम ये मैसेज दे देते हैं कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, वो मेरे साथ है, हर संबंध से मेरे साथ है, हर जगह हर समय मेरे साथ है, हर जगह मेरे साथ है। और ड्रामा में जो कुछ भी गलत नहीं हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अभी बहुत अच्छा हो रहा, जो होने वाला सबसे अच्छा होने वाला, हम उसको मैसेज दे देते हैं अपनी सेल्स को, ब्रेन की सेल्स को। तो क्या होता है, तो हमारे ब्रेन की सेल्स को नरिशमेंट मिलती है, जितने फ्री रेडिकल्स हैं टॉक्सिन्स वॉश हो जाते हैं, हम बहुत हल्का महसूस करते हैं, हमारी मेमोरी पावर बढ़ जाती है, थॉट ट्रैफिक कम हो जाता है, हमारी चैनल्स हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो जाते हैं प्रॉपर टाइम से, ब्रेन अच्छे से कार्य करता है, हमारी मेमोरी पावर अच्छी होगी, हेडेक खत्म हो जाएंगे, माइग्रेन खत्म हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। हमारा हमारी जो पांचों सेंसेस हैं, आंख नाक कान मुख और त्वचा, स्किन बाहर की और अंदर की स्किन है, अंदर का म्यूकोसा है, इम्यून सिस्टम है हमारा जिसकी बहुत आवश्यकता है इस समय कोविड के टाइम में, हमारा इम्यून सिस्टम हमारे प्योरिटी से, सातों एनर्जी चाहिए इम्यून सिस्टम को भी, किंतु स्पेशली प्योरिटी चाहिए, प्योरिटी ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट। आई एम ऑल्सो बींग, यू आर ऑल्सो बींग, चाहे पति है आपस में, पति पत्नी है या बच्चे हैं, या मेरा बॉस है या मेरे कुलीग्स हैं, या मेरे मैं बॉस हूं, नीचे मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं, उनको भी मैं उसी नजर से देखता हूं। तो ये प्योरिटी, इसमें अपने आप अपने प्रति भी रेस्पेक्ट है, उनके प्रति भी रेस्पेक्ट है। तो ये प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ इंटेलेक्ट, ये उनको भी नरिश करते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, हम अपने अपनी बॉडी के अपने इम्यून सिस्टम को भी नरिश कर रहे हैं, उसको भी दुआएं दे रहे हैं और दुआएं ले भी रहे हैं। आप समझ रहे हैं, मैं समझता हूं आपको क्लियर हो रहा होगा, ये बात थोड़ा डिफरेंट है, जो आपने अभी तक दुआओं के बारे में लेक्चर सुने होंगे, भाषण सुने होंगे, टॉक सुने होंगे, डिफरेंट, इट इज लिटिल डिफरेंट है ना। और ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं, आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाती है, आपकी CD4 काउंट बढ़ जाती है, CD, हमने इस पर रिसर्च की है, जब हमने जो ये जो 3D हेल्थ केयर हम रिसर्च प्रोग्राम कर रहे थे हार्ट पेशेंट्स पे, तो उस दौरान हमने इम्यून सिस्टम को स्टडी किया है, हमें नेचुरल किलर सेल्स बढ़ जाती है, CD8 सेल्स कम हो जाती है, तो इससे बहुत अंदर से डिफरेंस आता है। ऐसे आपके लंग्स को क्या चाहिए, शांति चाहिए, बीइंग इन द प्रेजेंट, आपके जो थॉट स्पीड बहुत फास्ट हो गई है, उसके साथ आपके रेस्पिरेशन का कनेक्शन है, जब एंजाइटी होती है, फियर होती है, आपकी थॉट स्पीड बढ़ जाती है और आपके अंदर आपकी सांस ऊपर ऊपर फेफड़े फेफड़े में चलने लगती है, आधे आधे लंग्स में जाता है ऑक्सीजन, पूरे 2/3 लंग्स में जाता ही नहीं है, नीचे 2/3 ब्लड नीचे लंग्स में बिना बिना साफ हुए, बिना ऑक्सीजन के हार्ट में वापस जाकर सप्लाई हो जाता है, पूरी बॉडी को कम ऑक्सीजन वाला ब्लड सप्लाई होता है। अगर आप शांत हैं, जैसे आप सोते हैं ना, तो पूरा पेट अंदर बाहर हो रहा होता है, आपकी एब्डोमिनल ब्रीदिंग हो रही होती है, तो शांति आपके लंग्स में जाती है, पूरा लंग्स नीचे तक ऑक्सीजन पहुंचती है, पूरा ब्लड में ऑक्सीजन जाती है और पूरी बॉडी की एक सेल साफ होती है, जितना शांत होंगे उतना लंग्स आपके पावरफुल होते जाते हैं। प्रेम, जितना आप सबको एक्सेप्ट करते हैं, इरिटेट नहीं होते, सबके किसी के रोल को देख के इरिटेट, सबको अनकंडीशनली एक्सेप्ट करते हैं घर में या बाहर, उतना आपके हार्ट अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करता है, फुल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड फ्लो अच्छे से हार्ट में, डायस्टोल हार्ट अच्छे से आराम करता है, कॉरोनरी फ्लो बढ़ता है, आर्टरीज में ब्लॉकेज नहीं होती है, होती है तो खुल जाती है, उससे आपके अंदर दिल में खुशी, मतलब दिल से जो प्यार, ये प्यार कितना, इसलिए सिंबल क्या दिखाते हैं, दो दो व्यक्ति के बीच में प्यार है तो क्या दिखाते हैं, हार्ट दिखाते हैं, कभी ब्रेन नहीं दिखाते, कभी लंग्स नहीं दिखाते, कभी लिवर नहीं दिखाते, कभी एब्डोमेन नहीं दिखाते, दिखाते हैं क्या, हमेशा हार्ट दिखाते, क्यों, क्योंकि हार्ट को प्यार चाहिए, पेट को खुशी चाहिए ना, खुशी, जितना आपको खुशी होंगे ना, जितना आपके अंदर हैप्पीनेस कंटेंटमेंट होगा, आपका हाजमा अच्छा होता है, एसिड रिफ्लक्स नहीं होता, ऊपर नहीं चढ़ता है एसिड, वाल्व अच्छे से टाइट बंद हो जाता है, आपकी आंतों की मूवमेंट अच्छी होती है, एंजाइम्स अच्छे से निकलते हैं, एसिड प्रॉपरली निकलता है, खाने का क्या बोलते हैं जर्निंग अच्छे से होती है, उसमें से अब्सॉर्प्शन अच्छे से होता है, इसलिए कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। तो आप पेट को भी क्या कर रहे हैं, ये भी दुआएं दे रहे हैं, है ना, और दुआएं मिल भी रही है, क्योंकि पेट आपको तंग नहीं करता, गैस नहीं बनती है, पेट में कब्जे नहीं होती है, पेट में दर्द नहीं होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नहीं होता, अल्सरेटिव कोलाइटिस नहीं होता, एसिडिटी नहीं बनती, हार्ट से भी दुआएं मिल रही हैं, आप भी दुआएं दे रहे हैं, दुआएं क्या दे रहे हैं, आप हार्ट को सचमुच प्यार दे रहे हैं,
उस परमात्मा जो प्यार का सागर है, अनकंडीशनल सबको एक्सेप्ट करता है, सबको नरिश करता है, ऐसे परमात्मा से जुड़ करके आप इसको दुआएं दे रहे हैं। प्रॉपर हार्ट भी आपको दुआएं देता है, थैंक्स देता है, आई एम वेरी हैप्पी विद यू, आपको एंजाइना नहीं होता है ना, पेट भी आपको तंग नहीं करता है, पेट भी आपको दुआएं देता है ना। ऐसे हार्मोन्स, हार्मोन्स को आनंद चाहिए होता है। तो जब आप देह और देह की दुनिया के बंधन के पार चले जाते हैं, परमात्मा से जुड़ जाते हैं, लवली अवस्था इसे कहते हैं, यू गेट एब्सॉर्ब्ड इन गॉड्स लव, तो आपके सारे हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, पीनियल से इनका हार्मोन निकलता है, और यहाँ से हमारे जो पूरे 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 बॉडी के हार्मोन्स कंट्रोल करने के लिए पीनियल पिट्यूटरी से हार्मोन निकलते हैं, थायराइड, पैराथायराइड, हड्डियाँ स्ट्रांग हो जाती है, पेनक्रियास, डायबिटीज ठीक हो जाती है, एडिनल ग्लैंड स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं, कॉर्टिसोल निकलता है वहाँ से, आपके जो मेल फीमेल ग्लैंड हैं उनसे मेल फीमेल का बैलेंस, पूरा सिस्टम एकदम से हार्मोन, पूरी सिस्टम की हार्मोनी हो जाती है, पूरे हार्मोन से 80,000 अरब सेल्स की मालिश हो जाती है, आनंद। तो ये आपकी दुआएं एक तरह से आपको अलग तरह से मिलती है, और शक्तियां, आठों शक्तियां जो मैंने आपसे बात की, वो आठों शक्तियां जो है आपके अंदर, आपकी बॉडी के सारे जो आपकी जो ना जितने भी ज्वाइंट्स हैं, जितनी बोन, 206 बोन्स हैं, इतने सारे ज्वाइंट्स, इतनी मसल्स, लिगामेंट्स हैं, वो सबको आठों शक्तियां, बिकॉज हर ज्वाइंट को ना कोई शक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आठों शक्तियां आपके अंदर पहुंच जाती है। तो आप, आपके ज्वाइंट्स भी आपको, नहीं तो दुआएं के, दुआएं ज्वाइंट बोलते हैं, घुटना भी बोलता है, कमर भी बोलती है, गर्दन भी बोलती है, हड्डियां भी बोलती है, कितनी भी कैल्शियम खा लो, कितना विटामिन डालो, तो भी ठीक नहीं होता है। तो अंदर की जो इंटरनल स्ट्रेंथ, बल्कि बाहर की ठीक है, आपको स्पिरिचुअल लेवल पे क्या, मेंटल लेवल पे टीम पॉजिटिव हो जाती है। अगर तो आपका मन, अगर आपका आपका दिल में सच्चाई सफाई है, दिल में अगर ये है ABC, ABCD है, तो आपका विवेक जागृत हो जाता है, थर्ड आई विजडम खुल जाती है, निर्णय शक्ति हो जाती है, और चित्त माना विस्तार को सारने, बड़ी बात भी छोटी हो जाती है, विस्तार को सारने की शक्ति, समेटने की शक्ति, आप बिंदी आत्मा बन के परम धाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड करंट खींच सकते हैं, उससे आपके अंदर एंडोर्फिन, एनकाफेरिन, सेरोटोनिन निकल आता है, ऑक्सीटोसिन निकल आता है, जिससे आपकी बॉडी में पेन खत्म हो जाती है, कैसा भी पेन हो, हार्ट का हो, कुछ भी, आपके अंदर सहन करने की शक्ति आ जाती है, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति। तो दिल अगर आपकी सच्ची और साफ है, तो आपका विवेक जागृत, निर्णय शक्ति दिव्य, और चित्त शांत एकाग्र आनंद में हो जाता है, और चेतन मन में कौन सी फाइलें खुलती हैं आपकी, संपूर्ण, जैसे आपको ना ऐसा शांति की फाइलें, प्रेम, खुशी, आनंद की फाइलें खुलती हैं, आपके ब्राह्मण स्वरूप की, फरिश्ता स्वरूप की। अब आप काफी, आप में से काफी लोग जिन्होंने अभी ज्ञान नहीं लिया है, वो इस ज्ञान राज्य को समझेंगे, राज्य कोर्स करेंगे, समझ में आएगा ये ब्राह्मण लाइफ क्या होती है, फरिश्ता क्या होते हैं, एंजल्स क्या होते हैं, देवता क्या होते हैं, सीड स्टेज क्या होती है, फरिश्ता, तो आप समझेंगे, तो वो आपकी फाइलें खुल जाती है, और फाइलें खुलने से फिर क्या होता है, हाँ जी, तो मैं बस अभी शुरू करता हूँ, बस मेरा पूरा हो गया। तो जब वो फाइलें खुल जाती हैं, तो क्या होता है, आपकी, आपके थॉट्स, अब आपका चिंतन चलता है, पॉजिटिव चिंतन चलता है, जो चित्त से चिंतन चलता है ना, तब आपके थॉट्स पॉजिटिव वाले थॉट्स चलने शुरू होते हैं, संबंधों में, आपस में, अपने प्रति भी, अपने हेल्थ के प्रति भी, समाज के प्रति भी, पूरे परिवार के प्रति भी, पूरे पांचों तत्वों के प्रति, जो मैंने बात की ना, स्वयं के, परमात्मा, स्वयं और परिवार और विश्व, मतलब पशु के सभी दुखी आत्मा, परेशान आत्माएं और प्रकृति के पांचों तत्व, सभी को आप दुआएं जाती हैं, ऑटोमेटिक जाती हैं, देनी नहीं पड़ती हैं, ऑटोमेटिक जाती हैं, और उनसे मिलती भी हैं, और आपके आसपास आप अमंडलिक बन जाते हैं। तो आपकी संकल्प भावना बनती है, भावना से वाइब्रेशन जाते हैं सारे विश्व में, अपने प्रति भी जाते हैं, अपनी बॉडी के सेल्स को भी जाते हैं, परमात्मा से भी आपके अंदर आते हैं, आपके आसपास आपकी वृत्ति बनती है, दृष्टि बदल जाती है, आपके वायुमंडल बन जाता है, और वायुमंडल आप आसपास उसको, उससे आप, आपके अंदर आपको खुद का भी परसेप्शन, दूसरों की परसेप्शन होती है, और उनके उनके इंप्रेशंस बनते हैं, उनके आपके बिलीफ सिस्टम बदल जाते हैं, दूसरों के बदल जाते हैं, आपकी स्मृतियां चेंज हो जाती हैं, सेल्स में जो नए पुराने वाले केमिकल्स सब चेंज हो जाते हैं, और आपके देखना, सोचना, उठना, बैठना सब बदल जाता है, आपके संस्कार बदल जाते हैं, आपका व्यवहार, आपकी चेहरा और चलन बदल जाता है, आपका व्यवहार, आहार विहार बदल जाता है, और उससे आप कर्मेंद्र जीत, माया जीत, माना पांचों जो विकार है वाइसेस, उन पर विजय हो जाती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर, नेगेटिव टेंडेंसीज पर विजय हो जाती है, आप प्रकृति जीत बन जाते हैं, और विकर्म आपसे पाप कर्म होने बंद हो जाते हैं, और आप लाइट हाउस माइट हाउस बन जाते हैं,
आप अपने लिए भी ब्लेसिंग दे सकते हैं, देते हैं, और दूसरों को भी दुआएं देते हैं और दुआएं लेते हैं। ओम शांति।